हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस कचौरी, प्याज की कचौरी। इसके लिए हमने 300 ग्राम मैदा ली है, 2 चम्मच घी, 2 पिंच बेकिंग सोडा 2 चुटकी, आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, स्टफिंग के लिए 2 पिंच हींग, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच राई, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, ये धनिया मोटा पिसा हुआ है, दरदरा धनिया 1 चम्मच, दरदरा पिसा हुआ यानी कि मोटा पिसा हुआ, आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज की प्याज कटी हुई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 आलू उबला हुआ, छीलकर हमने इसको कद्दूकस कर लिया, कस लिया है। अभी सबसे पहले इस मैदा में घी डालेंगे, नमक और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरी जैसा आटा गूंद करके तैयार करेंगे। जिस तरह से हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं, उसी तरह से हमें आटा गूंद करके तैयार करना है। इस मैदा को हम 10 मिनट ढक के रखेंगे। ये हमने गीला कपड़ा लिया है, इस पर ढक देंगे, मैदा को सेट होने के लिए रख देते हैं। और अभी पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे जीरा, राई, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और ये सभी मसाले डाल देंगे। प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है, क्रंची रखना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, जो हमने बेसन लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्टफिंग को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, प्याज को क्रंची ही रखना है। और ये आलू जो उबला हुआ हमने लिया था, कद्दूकस किया हुआ, और ये धनिया लिया है, हरा धनिया थोड़ा सा, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको निकाल करके एक बाउल में रख लेंगे ठंडा होने। स्टफिंग ठंडी हो गई है और हमारी मैदा भी सेट हो गई है। मैदा को मसल के चिकना करेंगे। मैदा को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लिया है, ये बहुत जरूरी है। मैदा से पूरी के साइज का पेड़ा लेंगे, जितनी बड़ी हमें कचौरी बनानी है, बाकी को ढककर रख देंगे। मैदा है बहुत जल्दी सूख जाती है, थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे, चकले पे या बोर्ड पर जिस पर भी आप बेल रहे हैं, इससे चिपकेगा नहीं। बस इतना ही बेलना है। और अभी इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे, स्टफिंग को हम थोड़ा सा गोला बना लेंगे इस तरह से, जब रखेंगे और अच्छे से बंद कर देंगे, इस तरह से स्टफिंग को दबाते जाएंगे, अच्छे से बंद कर देंगे, एकदम से बिल्कुल सील कर देना है, यहाँ से दबा के अच्छे से बंद कर देना है। और एक्स्ट्रा मैदा जो भी होगी उसको हटा देंगे, और इसको हम हाथ से ही बढ़ाएंगे, बेलेंगे नहीं, इस तरह से हथेली से ही दबा लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी कचौरी बना लूंगी, सारी कचौरी इसी तरह से बना बना के रख लेंगे। कुछ कचौरियों को हमने बना लिया है और कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गर्म है, हम इन्हें धीमी गैस पर ही तलेंगे। कचौरियां हमारी बन करके तैयार है, इन्हें निकाल लेते हैं। और कचौरियों को आप बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इन्हें तलें, एकदम से धीमी गैस पर तलें, तभी हमारी कचौरी क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। नहीं तो अगर आप तेज गैस करके इनको तलेंगे, जल्दी तलने की कोशिश करेंगे, तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी।
आप इन्हें बनाइए और अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ खाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये राजस्थान की प्रसिद्ध फेमस कचौरी है। कचौरी का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।